हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर सिबीगंज बरेली में। देखिए, यहाँ पर आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए यहाँ पर कुछ बचे हुए प्रश्न एक्सरसाइज 4.5 के। जैसा कि आपका चैप्टर चल रहा है द्विघात समीकरण, और उसमें 4.5 एक्सरसाइज के अधिकतर क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न आपके लिए बचे हैं वो आपके लिए बताने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आपके लिए है लघुत्तरीय प्रश्न का, यहाँ पर आपके लिए नवा प्रश्न करा दिया गया है, यानी आप यहाँ पर आपके लिए 10वां प्रश्न कराया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर 10वां प्रश्न आपके लिए कराएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 10वां प्रश्न। कैसे क्या है बताते हैं आपके लिए। लिखा है यदि समीकरण 1+m² में समीकरण लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या है समीकरण ध्यान से देख लीजिए, 1+m² × x² और +2m Cx2m Cx+C²-A², ये आपके समीकरण है और बराबर में जीरो। यहां पर ये कह रहे हैं कि मूल समान हो तो सिद्ध कीजिए, यानी आपको सिद्ध करना है। क्या करना है आपके लिए सिद्ध करना है, किसको सिद्ध करना है ध्यान से देखिए। यहां पर लिखा है C² = A² और इंटू में 1+m² इसको आपको प्रूफ करना है। देखिए बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पर इसको देखेंगे, इस प्रश्न को कि कैसे सॉल्व करेंगे। और आपके लिए इसमें बताया जा रहा है कि मूल इनके जो हैं समान होने चाहिए। अगर मूल समान होंगे तो इसकी कंडीशन क्या है सुन लीजिए। मूल समान होने की जो कंडीशन है वो है आपके लिए D=0। अगर D का मान 0 होगा तो यहां पर मूल समान होंगे। बात समझ में आ रही है? डी का मान अगर 0 होगा तो मूल समान होंगे। तो यहां पर हमें इसे ये प्रूफ करना है, तो मूल समान होने की विधि को लगाना पड़ेगा। डी बराबर होता है B² - 4AC और बराबर में 0 हमको लेके चलना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें यहां पर ए है ये, और बी यहां पर है ये वाला बी हो गया, और सी ये पूरा पूरा सी है। ठीक है, तो B² यानी बी का मतलब हमारे यहाँ पर है 2MC, तो 2MC का होल स्क्वायर माइनस का 4 × a। a का मान हमारे पास कितना है? a का मान है हमारे पास 1+m², ये a का मान है। फिर इनटू में c का मान हमारे पास यही है C²-A², ये c का मान है, और बराबर में हमने 0 रख दिया। अब देखिए क्या है, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर आपके लिए हो जाएगा 4, और m का स्क्वायर m² और c का स्क्वायर C², ये हो गया। माइनस का 4 ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे, इसकी गुणा कराएंगे तो 1 की C² से होगी तो C² हो जाएगा, और यहाँ पर 1 की A² से होगी तो माइनस का A² हो जाएगा। इसी तरीके से m² की C² से करेंगे तो m² C² हो जाएगा, m² C² प्लस का, और m² A² यहां पर माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से अब 4 की गुणा करा देंगे, यहां से प्रत्येक टर्म में गुणा करा देंगे तो यहां पर आपके लिए हो जाएगा 4m² C², और माइनस की 4 से गुणा करा दीजिए यहां पर, क्योंकि सबकी हमने यहां पर 1 से कराया तो ये पूरा पूरा आ गया। m² की C² से कराई m² C² हो गया, m² की A² से कराई तो माइनस का m² A² हो गया। -4 से आप गुणा करा दीजिए, और यहां पर चिन्ह भी परिवर्तित हो जाएंगे तो माइनस का 4C² आ जाएगा। माइनस की गुणा इससे कराएंगे तो यहां पर माइनस का गुणा माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस का 4A² हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर देखिए, माइनस का ये हो जाएगा 4m² C² हो जाएगा, और माइनस की गुणा माइनस प्लस का 4m² A² हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप सिंपली यहां पर क्या करेंगे, देखिए आप 4m² C² से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस का है तो यहां पर ये कैंसिल हो गए। अब आपके लिए बचा माइनस का 4C² प्लस का 4A² ये वाला बचा है ना, और यहां पर आपके लिए बचा है प्लस का 4A² प्लस का 4m² A² ये बचा है। अब यहां पर क्या करना है ध्यान से देखना, और बराबर में आपके लिए 0 लेके चल रहे हैं, 0 भी चल रहा है। अब एक टर्म को आपके लिए C² इधर रखना है, तो C² वाली टर्म को तो मैं यहीं रख ले रहा हूं, बराबर में ये वाली टर्म को उधर भेज दे रहा हूं, तो माइनस का 4A² और माइनस का 4m² A², ये हो गया। अब क्या करेंगे, आप कॉमन ले लेंगे, तो देखिए माइनस का 4C² बराबर माइनस का 4A, आप 4 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का अगर मैंने 4 कॉमन ले लिया और A² भी ले लिया, A² भी अगर हमने कॉमन ले लिया और 4 भी ले लिया कॉमन, तब देखिए आपके लिए क्या बचेगा A² और प्लस यहां पर
यहाँ ए स्क्वायर नहीं बचेगा आपके लिए, यहाँ पर सिंपली ए स्क्वायर खत्म हो गया तो वन बचेगा, वन प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, फोर से फोर हो गया और बचा एम स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल, फोर से फोर कैंसिल हो गया, तो बचा आपके पास सी स्क्वायर बराबर वन प्लस एम स्क्वायर। और यही आपको प्रूफ करना था कि सी स्क्वायर बराबर वन प्लस एम स्क्वायर होगा जबकि मूल बराबर होंगे, है ना। जब यहाँ पर आप लिख सकते हैं जब सी स्क्वायर बराबर वन प्लस एम स्क्वायर होगा तो तब मूल बराबर होंगे, है ना, तब मूल बराबर होंगे, इस बात को आपके लिए लिखना है, तो मूल बराबर होंगे। इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो गया है और यहां पर जो प्रूफ करना था वो आ चुका है, सी स्क्वायर बराबर वन प्लस एम स्क्वायर। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस तरीके से यहां पर पूरे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। अगला प्रश्न इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आपके लिए बताने वाले हैं 11 यहां पर प्रश्न है, तो यहां पर 10 के बाद 11 वाला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए ध्यान से सुनेंगे और करेंगे। देखिए यहां पर लिखा गया सिद्ध कीजिए कि पी के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर, समीकरण को लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस का चार बराबर में जीरो। ये समीकरण दी गई और आपके लिए बोला जा रहा है कि मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। अगर मूल वास्तविक हैं और अलग अलग भी हैं तो इसके लिए कंडीशन है डी ग्रेटर देन जीरो, ये आपके लिए है, ठीक है। डी ग्रेटर देन जीरो यानी जीरो से बड़ा होना चाहिए और मूल इसमें वास्तविक भी होते हैं और अलग अलग भी होते हैं, इसकी कंडीशन है ये, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन है, तो ये ए हो गया, बी का मान पी हो गया और सी का मान माइनस चार हो गया। अब सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, डी का मान होता है आपके लिए मालूम है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये होता है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। बी का मान है पी, तो पी स्क्वायर माइनस का चार गुणे ए का मान है वन और इंटू में सी का मान है माइनस का चार और ग्रेटर देन जीरो, ये हो गया। अब देखिए यहां पर आ गया आपके लिए पी स्क्वायर माइनस चार चक्के सोलह, यहां पर प्लस का सोलह हो गया ग्रेटर देन जीरो, तो पी स्क्वायर बराबर यहां पर आपके लिए क्या है सोलह घटा देंगे, तो दोनों तरफ से घटाएंगे, तो यहां पर सोलह माइनस का यहां पर कर देंगे और इधर भी जीरो माइनस सोलह कर देंगे, तो आप देखिए सोलह से सोलह इधर कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस का सिक्सटीन हो जाएगा, है ना। अब इस तरीके से यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर पी स्क्वायर बराबर सोलह बराबर जीरो दिया गया तो पी का मान यहां पर आ जाएगा माइनस के रूट के अंदर सिक्सटीन आ जाएगा यहां पर इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहां पर माइनस का आ जाएगा और माइनस का आ जाएगा, माइनस का रूट 16 आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू जो आ जाएगी आपके लिए इस तरीके से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी है। वैसे आप क्या कर सकते हैं, सिंपली पी स्क्वायर माइनस माइनस का यहाँ पर चार चक्के 16, क्योंकि सी माइनस का चार है और चार हो जाएगा तो आपके लिए प्लस जो है 16 निगेटिव में आएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ग्रेटर देन इधर भी चलाते रहें तो आप ये लिखेंगे पी स्क्वायर और प्लस प्लस करके ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बराबर रूट सोलह का चार लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पी बराबर इसकी चार वैल्यू आ जाएगी, इस तरीके से यहां पर इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं फोर एसी से। अब देखिए अगला प्रश्न है 12 वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो भी आपको कराते हैं बच्चों। अब आपके लिए यहां पर 12वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरा यहां पर देखेंगे क्या प्रश्न है। तो 12वां प्रश्न ये कह रहा है कि यहां पर एक समीकरण दी गई है जो कि इस प्रकार है, पी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट फाइव और पी और एक्स प्लस पंद्रह और बराबर में जीरो। इसके लिए कह रहे हैं कि अगर मूल समान हो, अगर मूल समान हो, मूल समान है इसके, तो आपके लिए बता रहे हैं कि पी का मान क्या होगा, पी का मान बताना है। तो P का मान बताना है आपके लिए जबकि मूल इसके समान होंगे, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये बात हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं, इस हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो A का मान यहाँ पर ये P है और B का मान ये वाला है और C का मान है 15। क्लियर है? तो D बराबर इसके लिए मूल समान होने के लिए D बराबर जीरो होना चाहिए। अगर D बराबर जीरो है तो यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी बराबर में जीरो। तो B का मान है हमारे पास टू रूट फाइव और P ये है माइनस का और स्क्वायर कर देंगे और माइनस का चार गुणे A का मान है P और गुणे C का मान है 15 और बराबर में जीरो। तो यहाँ पर देखिए आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और रूट फाइव, रूट फाइव है इसका स्क्वायर करोगे तो 5 ही आएगा और P का स्क्वायर करोगे तो P स्क्वायर आएगा, माइनस का 15 चक्कू 60P बराबर आ गया आपके लिए जीरो। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 चक्कू 20 पी स्क्वायर, यहाँ पर 20 पी स्क्वायर हो गया
और माइनस का 60p और बराबर में 0। अब आप यहाँ पर क्या है कॉमन ले सकते हैं, कॉमन कितना ले लेंगे, देखिए यहाँ पर 4 से कट जाएगा, 5 भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर 5p कॉमन ले लेते हैं। 5p कॉमन ले लिया, बचेगा p माइनस यहाँ पर 4 बचेगा, 5 × 20 यानी 4 और p माइनस 5 से यहाँ पर काट दो, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 12 और यहाँ पर आपके लिए ये हो गया, और p तो यहाँ पर कट जाएगी क्योंकि p आपने कॉमन ले लिया है, बराबर में 0। अब देखिए और भी यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या ले सकते हैं 5p और गुणे में, अब एक ब्रैकेट से और भी कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए 4, तो 4 और हमने कॉमन ले लिया, तो बचा हमारे पास p और माइनस का 4 × 3 = 12 और बराबर में 0, ये बचा। अब देखिए यहाँ पर 5 × 20p हो गया, 20p और p माइनस 3 बराबर में 0, ये आ गया। अब देखिए ये वाला जो 20p है ये वाला इधर चला जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, या तो इसको 0 के बराबर रखो, अब p माइनस 3 बचेगा केवल, तो p माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो p का मान आ जाएगा 3। इस हिसाब से इसका आंसर p बराबर 3 हो जाएगा, यानी p बराबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो फैक्टर है इसका गुणनफल या तो ये 0 होगा तो इसका मान p का मान 0 आएगा, और p माइनस 3 के हिसाब से p का मान 3 आएगा। तो इस तरीके से यह प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ऐसा रूट में यहाँ पर प्रश्न आता है। अब आपके लिए लास्ट इस एक्सरसाइज का सवाल बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके लिए कराएंगे, देखिए क्या प्रश्न है। तो 13 वाला यहाँ पर प्रश्न है, देखिए लिखा है द्विघात समीकरण जांच कीजिए, द्विघात समीकरण यहाँ पर दी गई है 3/4 x² - 8x प्लस का 3 = 0, ये दिया गया है, और कह रहे हैं कि मूल वास्तविक होंगे, यदि ऐसा है तो मूलों को भी ज्ञात कीजिए, अगर मूल वास्तविक होंगे तो मूलों को भी ज्ञात करना है। ये प्रश्न 2022 में आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये प्रश्न क्या है, यहाँ पर ये पूरा लिखा है द्विघात समीकरण, अब इसको चेक करना है, तो मूल वास्तविक होने के लिए यहाँ पर डी का मान 0 होना चाहिए, मूल वास्तविक होने के लिए ये कंडीशन होती है, डी का मान 0 होना चाहिए। आप सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ए का मान हो गया 3/4, बी का मान हो गया -8 और सी का मान हो गया 3, तो लगा देते हैं b² - 4ac = 0, ये लगा दिया हमने, तो बी स्क्वायर यहाँ पर देखिए b का मान है -8, 8 का स्क्वायर हो गया -4 गुणे a का मान हो गया 3/4 और c का मान हो गया 3 और बराबर में 0, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 8 का वर्ग 64 हो गया, प्लस का आएगा क्योंकि स्क्वायर में इवन नंबर है, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 यहाँ पर आपके लिए 9 बचेगा और बराबर में आपके लिए 0। ओके, यहाँ पर अब आपके लिए 8 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर 64 हो गया, और इसी तरीके से यहाँ पर 4ac था तो 4 × a × c, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब आपके लिए यहाँ पर 3 × 3 = 9 आ गया। अब सिंपली इसको यहाँ पर घटा लेते हैं, देखिए 64 और माइनस का यहाँ पर 9 हो गया, 14 में से 9 गया आपके लिए 5 और यहाँ पर बचा आपके लिए 5, 55, तो 55 आ गया जो कि पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है, यानी डी ग्रेटर देन 0 है, अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक होंगे, ये बात एक आप ध्यान रखें, मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, अलग अलग, ठीक है, मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, ये बात इससे क्लियर हो गई। तो हमें सिंपली ये चेक करना था कि डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपके लिए मूल वास्तविक होंगे, अगर मूल वास्तविक हैं तो इनके मूल भी निकालिए, ये भी बात आपसे बोली गई। तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, श्रीधराचार्य विधि को अप्लाई कर देंगे, क्या होती है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac और अपॉन में आ गया 2a, ठीक है, क्लियर है। तो माइनस का भी आप बी का मान है हमारे पास 8, तो माइनस का 8 हो गया प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac का मान पूरा पूरा दिया गया है, कितना आया है 55, तो यहां पर रख दिया मैंने 55 और बटे में 2 × a का मान हमारे पास है 3/4, ठीक है, 2 से यहां पर कैंसिल कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी हमारे पास यहां पर आ गया है प्लस का 8, माइनस की गुणा माइनस से प्लस का 8 हो गया और प्लस माइनस रूट के अंदर 55 और बटे में आपके लिए आ गया यहां पर 3/2। अब ये दो दो है नीचे, वो ऊपर चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 8 प्लस माइनस रूट के अंदर 55 और इंटू में यहाँ पर आ गया आपके लिए 2 और बटे में आ गया 3। अब 2 से गुणा भी करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 16, इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × 16 प्लस माइनस रूट के अंदर, यहाँ पर 2 रह जाएगा अंदर, यहाँ पर 2√55 और बटे में आपके लिए 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये दो मूल हो जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आज आपके लिए इस वीडियो में कराए हैं, और इन
ये जो एक्सरसाइज आपके लिए है वो फिनिश हो चुकी है, एक्सरसाइज 4.5। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने सीखे इसमें, और जितने भी पार्ट हैं आप देखते रहिएगा, रेगुलर देखते रहिएगा वीडियो को, और यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जाते हैं और इससे आपको बहुत ही नॉलेज प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपने देखा इतनी एक्सरसाइज को हमने इसको खत्म कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इसमें जो कि आपने सीखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।